नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस के अंदर में। मार्केट कहाँ जाएगी, कल कैसा बिहेव करेगी, आने वाला हफ्ता कैसा होने वाला है, पोस्ट बजट कैसे बिहेव करना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। बाजार को देखने की कोशिश करें तो निफ्टी यहाँ पे एक सपोर्ट लेती दिखाई दे रही है, एक हायर लो बनता दिखाई दे रहा है। हालांकि हायर हाई तो नहीं बना, बट हायर लो आपको बनता दिखाई दिया है। ये एक ऐसा जोन था कि जहाँ पे बाजार ने पहले भी एक अच्छा खासा आपको एक रैली दी थी, बाजार जब यहाँ से चल रहा अच्छा खासा एक हाई बनाया था यहाँ पे बाजार ने, और पहले भी बाजार ने इसको सपोर्ट को जब लिया था एक अच्छी खासी रिटर्न्स वहाँ से देखने को मिली थी। तो यहाँ पे एक पॉसिबल है कि शायद डिमांड जोन शायद आपको दिखाई दे, यहाँ पे एक डिमांड जोन हो सकता है। अगर आप कैंडल्स को देखने की कोशिश करें, कैंडल्स को आपको मैंने समझाया है पहले भी कितनी बार वीडियो में समझाया है कि अगर कैंडल में नीचे की विक बड़ी है तो यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं, ये डिमांड कह सकते हैं या इसको आप बाइंग प्रेशर भी कह सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे कुछ बायर बैठे हो। तो वहीं पे फिर भी देखने का फिर से आज देखने को मिला कि अच्छा खासा आज की कैंडल को देखा जाए तो एक विक का जो पार्ट है इट इज ऑलमोस्ट मोर देन 70%, तो अच्छा खासा बाइंग प्रेशर देखने को मिला। बट ये वजह रही शायद बैंकिंग के शेयर्स को अगर देखने की कोशिश करेंगे निफ्टी के साथ में, बैंक निफ्टी को देखेंगे, और वीडियो के अंत में हम देखने लगे देखने कोशिश करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयर को, सेल को। जी हाँ, क्या सेल में एक बॉटम बनता दिखाई दे रहा है, क्या उसमें एक बॉटम फॉर्मेशन हो सकती है, या हम किस रेंज में स्टील अथॉरिटी में आ गए, क्या इसमें बाइंग शुरुआत हो सकती है, देखने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी के अभी ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं। क्योंकि दोस्तों यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि जिस वीडियो के ऊपर सबसे ज्यादा लाइक्स होते हैं यूट्यूब को लगता है उसी वीडियो के ऊपर हलचल है, लोगों को चीज पसंद आ रही है। तो प्लीज अपने लाइक्स तो कम से कम प्रेस कर दीजिए, आपका सिर्फ एक सेकंड जाएगा और हम मोटिवेट हो जाएंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। अब यहां पे निफ्टी आज 17,150 के आसपास फिर से बंद हुई है, और अगर बाजार के लो को देखने की कोशिश करें तो अगर निफ्टी को वो देखें तो बाजार का लो रहा 16,867। मैंने आपको पहले भी कहा था कि बाजार में 17,000 के नीचे अगर सेलिंग जाएगी तो 16,600 16,700 के आसपास हम सपोर्ट तलाशने की कोशिश करेंगे, वहीं से एग्जैक्ट सपोर्ट बनता दिखाई दे रहा है। और ऊपर में 17,000 के ऊपर चलता है बाजार तो बाइंग की तरफ बैठ सकते हैं। एक वोलेटाइल मार्केट है, 17,000 से ऊपर 17,200 17,400, तो बेसिकली जो लेवल अपने निकल के आ रहे हैं 17,000 के ऊपर में जो लेवल है वो 17,225 का है, और उसके ऊपर 17,424 का। तो 17,424 के ऊपर चलेगा तो बाजार में एक तेजी देखने को मिल सकती है, अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग यहाँ देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे लोग ट्रैप्ड हैं 17,000 के आसपास। और 16,800 ये ट्रेडिंग का जोन बन गया है, यहाँ पे आप ट्रेडिंग अच्छा आराम से कर सकते हैं। अगर इंट्राडे में देखा जाए तो इंट्राडे में आज जो खेल था वो कैसा रहा वो समझ लेते हैं। इंट्राडे के खेल को अगर 15 मिनट के चार्ट पे देखने की कोशिश करें तो बहुत ही क्लियर आपके सामने चार्ट दिखाई दे रहा है। एक अच्छा खासा बाजार में गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में जब गैप से बाजार खुला उसके बाद जो हमारा पॉइंट था, अगर आप देखने की कोशिश करें तो ये जो जोन था, ये जो हमारा प्राइस था 17,000 के आसपास का, जब इसके ऊपर चलता तो बाजार में आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती थी। यहाँ से भी आपको 150 पॉइंट के आसपास निफ्टी में देखने को मिले हैं, तो ये तो सपोर्ट था ही था जो हमने स्विंग ट्रेडिंग के सपोर्ट हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियोज में लाइव सेशन में। उम्मीद करता हूँ लाइव सेशन पर आप जरूर आते होंगे, हर फ्राइडे को लाइव सेशन होता है, कल फ्राइडे का फिर से लाइव सेशन होने वाला है रात को 9:15 पे। बड़ा जबरदस्त लाइव सेशन हुआ, लास्ट टाइम लोगों ने बहुत फायदा उठाया था, इस बार जरूर आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल नोटिफिकेशन हिट रखिएगा ताकि हम दोबारा मिल सकें। ये एक जोन था, इसको क्रॉस करने के बाद में अच्छी खासी मूवमेंट पहले भी आपने देखने को मिली है, ठीक ठाक सी मूवमेंट यहाँ भी देखने को मिली थी, और एक सपोर्ट की तरह इस जोन को काम करता हुआ ये ब्रेक हुआ था तो बाजार में एक सेलिंग आई थी। तो ये जोन मेरे हिसाब से एक अच्छा इंपॉर्टेंट प्राइस जोन बन जाता है, और यहाँ से अब यहाँ पे जो बेसिकली सपोर्ट रहेगा, जो स्टॉप लॉस रहेगा निफ्टी का 17,040 के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है, इसके नीचे हम सेलिंग की तरफ बैठेंगे। इसके ऊपर जब तक बाजार है ऊपर देखने वाले हैं, 17,150 के ऊपर 17,225 हमारा एक बैरियर रहने वाला है, एक हमारा बैरियर है। ये बैरियर बेसिकली 17,200 का लेवल एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, और फिर ये गैप पूरा होता दिखाई देता है फिर हम 17,300 की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो फिलहाल ये लेवल है निफ्टी के लिए, और हम देखते हैं बैंक निफ्टी की हालत कैसी थी, बैंक निफ्टी ने हमारा आज कैसा परफॉर्म किया। तो बैंक निफ्टी का भी अगर आप देखें डेली चार्ट बहुत ही शानदार रहा दो दिन से। मैंने आपको कहा भी था कि बैंक निफ्टी में जो गिरावट है वो गिरावट उतनी तेज गिरावट नहीं है जैसी आपको निफ्टी में दिखाई दे रही थी, तो बैंक कहीं ना कहीं सपोर्ट लेते दिखाई दे रहे थे, और बैंक में आप देखेंगे इस लेवल के आसपास में बढ़िया सपोर्ट जोन था जो बैंक निफ्टी ने उसको रिस्पेक्ट किया, यहां से सॉलिड बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो बैंकिंग के जितने भी शेयर्स रहे सभी में एक अच्छा खासा पुलबैक देखने को मिला, बैंक निफ्टी तेज भी रही आज निफ्टी के मुकाबले में। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी को हम देखें इंट्राडे के जो लेवल्स रहने चाहिए, कल जो हमें अगर काम करना है तो किन लेवल्स पे काम करना चाहिए वो देख लेते हैं, वो समझने की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अब बैंक निफ्टी का एक क्रूशियल जोन जो है वो देखिए क्रॉस हो चुका है। क्रूशियल जोन अगर आप देखेंगे तो क्रूशियल जोन क्रॉस हो चुका है, तो यहाँ पे
850, 37,850 के ऊपर बैंक निफ्टी रहेगी, तेज ही रहेगी। अब आपको स्टॉप लॉस लगाने, पोजिशनल स्टॉप लॉस 37,850 के आसपास आएगा। यू कैन राइट द ट्रेंड, इसके नीचे चलेगा हम फिर से सेलिंग की तरफ बैठ जाएंगे। सेलिंग में हमारा सपोर्ट आएगा 37,400 के आसपास का, हमारा सपोर्ट सेलिंग में आने वाला है। तो यहाँ पे बेसिकली हम जो ट्रेडिंग करने वाले हैं निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर में, तो वो हमारी बिल्कुल क्लियर रहेगी कि हम 37,000 का तो हमारा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है ही, इसके नीचे चलेगा तो अच्छी खासी सेलिंग हम देखने को मिल सकती है। बट यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। आप देखिए एक अच्छा खासा पुलबैक देखने को मिला है, एक ठीक ठाक सा जोन पार हुआ है। तो 37,800 इज वेरी क्रूशियल नाउ, क्योंकि आज की क्लोजिंग है 37,984, तो 150 पॉइंट के आसपास का नीचे का है। बट ऊपर में जो ब्रेकआउट हुआ, ऊपर का जो ब्रेकआउट रहेगा वो मैंने आपको पहले भी कहा था, पिछली वीडियोस में आपको मैंने लिख के दिया था 38,025 के ऊपर में एक ब्रेकआउट हो सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में। तो जब तक 38,025 के ऊपर, 38,025 के ऊपर नहीं चलता, स्टे अवे। चलो ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का। अब देखते हैं स्टील अथॉरिटी, ये शेयर आपके लिए क्यों चूज किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। ये शेयर मुझे क्यों पसंद है, सबसे पहले तो स्टील अथॉरिटी को समझने से पहले मैं आपका ध्यान लेके जाने की कोशिश करूंगा निफ्टी मेटल्स के ऊपर में। अगर निफ्टी ए मेटल हमारा एक इंडेक्स है, आपको मेटल्स के स्टॉक्स को ट्रेड करने से पहले इसको आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी आपको बहुत अच्छे से बताया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी इंडेक्स एक बहुत ही बढ़िया रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, एक फ्लैग फॉर्मेशन भी दिखाई दे सकती है इसके अंदर में। जो लोग चार्ट पैटर्न की देखने की कोशिश करते हैं वहाँ पे एक फ्लैग फॉर्मेशन भी बनती दिखाई दे सकती है, एक अच्छा खासा फ्लैग फॉर्मेशन भी बन सकता है। तो बेसिकली अगर ये फ्लैग फॉर्मेशन अगर कामयाब हो जाती है, यहाँ से जब ब्रेकआउट आएगा तो बहुत तगड़ा ब्रेकआउट आएगा। कोई भी इकॉनमी विदाउट मेटल्स नहीं चल सकती, मैंने आपको पहले भी कहा था। रियल एस्टेट हो, इंफ्रा हो, चाहे ऑटो सेक्टर हो, बिना मेटल्स के इकॉनमी का चलना मुश्किल है गाइस, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पे इस स्टील सेक्टर के अंदर में अगर आप देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो निफ्टी मेटल्स है, नॉट स्टील एग्जैक्टली, इसमें सभी मेटल्स आ जाते हैं, पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो निफ्टी मेटल्स है उसने क्या किया गया। इस निफ्टी मेटल्स ने यहाँ पे एक ठीक ठाक सी आपको एक अपसाइड मूवमेंट आती शायद दिखाई दे रही है। देखिए अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो एक रेंज दिखाई दे, अपवर्ड चैनल में निफ्टी मेटल्स ट्रेड कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये एक सपोर्ट है, सपोर्ट का काम कर रही है। तो यहां से बाउंस बैक, एक अच्छा खासा बाउंस बैक बनता दिखाई दे सकता है, कोई भी बड़ी बात नहीं। दिस वॉज वन ऑफ द इंडिकेशन कि मुझे लगता है कि निफ्टी मेटल्स में अगर पोजिशन बनने का समय शायद आ सकता है, क्योंकि अगर इंफ्रा के ऊपर बजट में गवर्नमेंट ज्यादा फोकस डाल दिया तो मेटल्स की तो चांदी होनी होनी, मेटल्स को तो चलना ही चलना है। इंफ्रा से मेटल जुड़े हुए इसमें कोई शक नहीं है, जिसमें जिंदल स्टील, स्टील अथॉरिटी, ये बहुत ही बड़े दिग्गज प्लेयर्स हैं, टाटा स्टील, ये अच्छे नाम हो सकते हैं, इनको स्टडी कीजिए। और स्टील अथॉरिटी को क्यों पसंद किया देख लेते हैं। चलिए स्टील अथॉरिटी को, मुझे स्टील अथॉरिटी के चार्ट को भी देखने की कोशिश करें। स्टील अथॉरिटी का चार्ट थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, दो तीन मुख्य वजह है, ज्यादा एनालिसिस आप अपना कर लीजिएगा। यहां पर बहुत दिनों से ये स्टॉक गिरावट में था, ठीक है, यहाँ पे भी एक फ्लैग फॉर्मेशन मुझे बनती दिखाई दे रही है, ठीक है, और सबके अपने अपने पैटर्न्स होते हैं, सबका अपना अपना हिसाब किताब होता है, हो सकता है मैं गलत हूँ गाइस, बट आप अपना चेक कर लीजिएगा। बट एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे से, करेक्शन दिखाई दे रही है 140 से लेके ये स्टॉक ने 94 रुपीज़ का आज लो लगा दिया, तो इट इज़ मोर देन 40% का करेक्शन। आप देखिए 40% के आसपास की इसमें करेक्शन हो चुकी है। निफ्टी मेटल सपोर्ट लेता दिखाई दे रहा है, मैं लिख देता हूं ताकि आपको बाद में रेफरेंस के लिए याद रहे, निफ्टी मेटल्स एट सपोर्ट। और यहां पे सपोर्ट तलाशने के लिए अगर आप एक छोटे से इंडिकेटर को लगाने की कोशिश करेंगे, जिसको आप कह सकते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI, अगर आप देखने की कोशिश करें तो ये इंडेक्स, ये स्टॉक, चलिए तीन बार लग गया, हटा देते हैं आपके लिए, एक ही हमारे लिए काफी है। यहाँ पे RSI का सपोर्ट अगर स्टॉक के देखने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे RSI के सपोर्ट यहाँ पे, RSI 30 को बहुत अच्छे से ये स्टॉक रिस्पेक्ट करता है। ये स्टॉक जब भी RSI 30 के आसपास आता है एक बाउंस बैक होती है, जब भी RSI 30 पे आता है एक बाउंस बैक होती है, जब भी RSI 30 पे आता है एक बाउंस बैक होती है। फिर से स्टॉक RSI 30 के आसपास है तो अपने सपोर्ट जोन के आसपास से ज्यादा मूव्स के नीचे सस्टेन नहीं करता है। तो दिस इज सेकंड वन ऑफ द रीजंस कि यहाँ पे देयर इज फेयर पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक आपको रिवर्सल देने की कोशिश कर सकता है। बहुत अच्छी टेक्निकल एनालिसिस आपको सिखा रहा हूँ बिल्कुल फ्री में विदाउट एनी क्लासेस, अभी तो क्लासेस भी नहीं चल रही हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या दिखाई देता है, क्या ऐसा कोई हिंट है आपके सामने, कोई हिंट आपको दिखाई देता है इस कैंडल को क्या बोलते हैं गाइस, जो जो मुझे बताएगा मजा आ जाएगा गाइस। व्हाट इज दिस कैंडल कॉल्ड एज, थोड़ा बड़ा कर दें,
थोड़ा सा आपके लिए बड़ा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा बिग कर देते हैं. व्हाट इज दिस कैंडल कॉल्ड? दिस कैंडल इज कॉल्ड एज हैमर. जिन लोगों ने नीचे सही का टाइप किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू नो इट. हैमर, व्हेन हैमर इज फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ ट्रेन, इट इज अ साइन ऑफ ट्रेंड रिवर्सल. इसका मतलब ये नहीं है कि 94 से इसका यूटर्न हो गया. अब हमको समझना होगा कि हम इसको ट्रेड कहाँ कर सकते हैं. मेरे हिसाब से इसकी जो बाइंग रेंज बनेगी इस स्टॉक की आपके लिए, वो बहुत ही बढ़िया हो सकती है गाइस. यहाँ पे अगर मैं इसको मंथली सपोर्ट पे चेक करने की कोशिश करूँ, तो क्या मंथली में मुझे कोई सपोर्ट दिखाई देता है गाइस? मैं RSI यहाँ से हटा देता हूँ, फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ, ताकि ये चार्ट थोड़ा सा और अच्छे से आपके सामने बन के आ जाए. मैं इसको मंथली पे चेक करने की कोशिश करता हूँ कि मंथली पे मुझे ये स्टॉक कैसा दिखाई देता है, ताकि आपको भी समझ में आए कि ये स्टॉक मंथली में क्या कर रहा है गाइस. अगर मंथली स्टार चार्ट को देखने की कोशिश करेंगे, तो स्टॉक ने ये जो रिवर्सल किया है, ये देखिए, मैं आपके लिए एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ. आई होप यू वुड लव दिस. लुक एट दिस पॉइंट्स, लुक एट दिस पॉइंट्स, कैन यू सी दिस पॉइंट्स? ये एक रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस जोन है. क्या ये सपोर्ट बन रहा है? अगर ये सपोर्ट बन जाता है, तो यहां से आपको एक रिवर्सल देखने को मिलेगा. नहीं तो हम इसको यहां पे 94 का इसका आज का लो था, तो 91 का एक बहुत मेजर सपोर्ट है मेरे हिसाब से. वर्स्ट केस में ये स्टॉक 80 रुपीज 81 रुपीज के आसपास तक जा सकता है, वर्स्ट केस में, जिसके चांसेस सिर्फ 10% है. सिर्फ 10% चांसेस मेरे हिसाब से 80 रुपीज के आसपास आने के. अगर आता है, ब्रिलियंट मौका रहेगा मेरे हिसाब से. मैं इसको नहीं छोड़ने वाला हूं, मैं इसमें फुल एनालिसिस करके अच्छा खासा पैसा डालने वाला हूं. 80 रुपए अगर देखने को मिलता है, ब्रिलियंट प्राइस रहेगा. यहां पे मैं पोजीशंस एक्युमुलेट करनी स्टार्ट कर चुका हूं. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने पोजीशंस ली तो आप भी ले लीजिए, प्लीज. आई एम नॉट इनवाइटिंग यू टू बाय दिस स्टील अथॉरिटी, बट आई एम जस्ट शेयरिंग माय एनालिसिस. तो प्लीज, ये कोई भी मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं कि आप बाय कीजिए. मैं आपको सिर्फ अपना एनालिसिस शेयर कर रहा हूं. आपको अच्छा लगे तो ठीक है, खराब लगे तो आप इग्नोर कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए बकवास है, और हम एक्सेप्ट कर लेंगे, दोबारा से ऐसे एनालिसिस नहीं करेंगे, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे. बट अगर आपको लगता है कि ये मंथली सपोर्ट अगर बन सकता है, तो दिस इज वेरी गुड. मंथली सपोर्ट पे है, RSI सपोर्ट पे आ रहा है डेली चार्ट के ऊपर में, तो मेरे हिसाब से. और साथ में मेटल इंडेक्स का सपोर्ट, 1, 2, 3 तीन पॉइंट्स मुझे दिखाई देते हैं स्टील अथॉरिटी में पोजीशंस बनाने के लिए, या मुझे इसको अपने रडार में रखने के लिए. तो और मुझे खासकर जो फॉलिंग स्टॉक्स होते हैं वो तो मुझे बहुत पसंद है, जो गिर रहे होते हैं वही तलाश करते हैं हम सपोर्ट्स की. तो दिस कुड बी वन ऑफ द स्टॉक्स फॉर द ईयर, अगले एक साल के लिए. अगर यहां से स्टॉक चलता है, अगर 80 रुपए से भी चलता है, या 80 या 90 रुपए के आसपास से स्टॉक चलता है, तो मेरा इसका पहला पड़ाव तो 125 रुपए के आसपास होने ही वाला है, दूसरा पड़ाव इसका 145 रुपए के आसपास में, तीसरा 170 160 के आसपास में, 180 रुपए के आसपास जाके मैं कम से कम इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग करूंगा. तो मेरे ये साल के टारगेट होने वाले, मुझे लगता है अगर 80 रुपए से 180 रुपए पैसा डबल से ज़्यादा होने की चांसेस हैं, ये मुझे लगता है. अपनी स्टडी कर लीजिएगा, अपनी एनालिसिस करके ही ट्रेड लें. दिए गए लेवल्स पे ट्रेड करने की कोई भी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, दिस इज अ डिस्क्लेमर विच यू हैव टू फॉलो. गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी ऐसे एनालिसिस का फायदा मिल सके. और अगर आप चैनल पे अभी तक नहीं हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कहाँ खोए हैं, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द बेल नोटिफिकेशन, सो दैट वी कैन मीट डेली. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद.